नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फूड फिल्स में। आज हम बनाएंगे मकई के पकोड़े, जिसको भुट्टे के पकोड़े भी कहते हैं। भुट्टे बारिश के मौसम में आते हैं और बारिश के मौसम में पकोड़े खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये कम चीज़ों में बनने वाला एक बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स भी है। इन्हें आप जल्दी से बना सकते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ हमने दो भुट्टे ले लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट दानों वाले दूधिया भुट्टे हैं, आप यही वाले भुट्टे लें। अब हम इन भुट्टों के चाकू की सहायता से दाने निकाल लेंगे। इस तरह से आप भुट्टों के दाने निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं दाने। आलू प्याज के पकोड़े तो हम साल भर खाते हैं, लेकिन भुट्टे विशेषतः बारिश के मौसम में आते हैं, तो भुट्टे के पकोड़े आप जरूर खाएं और इनका स्वाद भी बहुत ही हटकर होता है। दोनों भुट्टों के दाने हमने निकाल लिए हैं, 2 कप दाने निकले हैं ये। अब हम इन्हें आधा आधा 2 भाग में बांट देंगे। यहाँ पर हमने 2 भाग में बांट लिया दानों को, 1 भाग को हम मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ हमने आधे दानों को मिक्सी में पीस लिया है। अब हमने जो पूरे दाने बचाए थे उनमें हम इसे मिक्स करेंगे। ये जो हमने पूरे दाने बचाए हैं ये पकौड़ों में काफ़ी क्रंची टेस्ट देते हैं। यहाँ पर हम 3/4 कप बेसन, 2-3 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है वो डाल रहे हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है वो डाल रहे हैं, 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट कर डाल दें। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ साफ कर कर वो डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग डालेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मकई के दानों में काफ़ी पानी रहता है। चम्मच से मिक्स कर लें पेस्ट को, और आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार हुआ पकोड़ों का। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तेल को हमने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, आराम से डालें आप पकोड़े ध्यान रखते हुए। पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, जिससे कि पकोड़े अंदर तक पक जाएं, क्योंकि इसमें बेसन भी और मकई के दाने भी हैं जिनका पकना बहुत ज़रूरी है। जब आप पकोड़ों को तेल में डालें उसके बाद आपको पकोड़ों को 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बिल्कुल कलछी नहीं लगानी है। उसके बाद आप 1 मिनट के बाद में पकोड़ों को चलाएं। पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें और बीच बीच में चलाते रहें। पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। झारी में लेकर पकोड़ों को तेल को निथार लें पहले, और उसके बाद में पकोड़ों को निकाल लें। इस तरह से सारे पकोड़े निकाल लेंगे। इन पकोड़ों को तलने में मेरे करीब 5 मिनट लगे हैं। आप गोल्डन ब्राउन कलर देख लें और समय देखते हुए पकोड़ों को तल लें। क्रिस्पी पकौड़ी बनकर तैयार हुई है हमारी। दूसरी बार के पकौड़े भी हम इसी तरह से डालकर और इसी तरह से तल लेंगे। दूसरी बार के पकौड़े भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। इन पकौड़ों को आप हरी चटनी या टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। देखिए कितने अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।